आखिर कैसा था वो दृश्य जब श्री कृष्ण बारात लेकर जा रहे थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के बारात के बारे में चर्चा करेंगे। कैसा था वो दृश्य जब श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के लिए बारात लेकर गए थे। रुक्मिणी मंगला के अनुसार जब माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने सेवक द्वारा पत्र भेजा था, उसके बाद द्वारका में मानो हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ पड़ी थी और श्री कृष्ण की बारात की तैयारी के लिए संपूर्ण देवी देवता धरती लोक पर जैसे आ चुके थे। महादेव, शिव, पार्वती, सरस्वती और आदि देवता द्वारका में ही आ चुके थे। श्री गणेश व कलश पूजा करना आरंभ किए। बलराम दाऊ ने पांचों पांडवों को पत्र लिखा क्योंकि विदर्भ में जरासंध, शिशुपाल सहित अन्य राजाओं से युद्ध करने के भी नौबत आ सकती थी। देवी देवताओं ने मिलकर श्री कृष्ण को हल्दी लगाया। बलराम दाऊ और माता रेवती ने श्री कृष्ण की आंखों में काजल लगाए और पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण के सर पर सेहरा बांधा। इस तरह हर्ष उल्लास के साथ और पूरे ठाट बाट के साथ माता रुक्मिणी को लाने के लिए श्री कृष्ण विदर्भ की तरफ प्रस्थान करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से जुड़े ऐसे सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।